वेलकम टू माई व्लॉग। तो अभी मैं हूँ पतोंग बीच फुकेट में, जो कि बंगला रोड पर है। तो मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप आते हैं, इन केस अगर आप थाईलैंड चले जाते हैं और फुकेट चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो फूड सेक्शन है, मैं आपको सबसे पहले फूड सेक्शन दिखाता हूँ, उसके बाद नाइट लाइफ दिखाता हूँ। क्योंकि कोरोना के बाद यहाँ की नाइट लाइफ जो है वो टोटली वैसे हो गई है जैसे आज से कई सौ साल पहले होती थी, कई सौ साल से मुराद जैसे शुरू से ये थे। तो अच्छा, यहाँ पे आपको फ्रेशली फिशेस मिलेंगी, उसके अलावा यहाँ पे प्राउन्स, क्योंकि झींगे हम लोग भी वैसे खाते होते हैं झींगे, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है जो कि मैं अपनी सारी वीडियो में बताता आया हूँ कि यार आप लोगों ने सबसे पहले या तो आप क्या करें हलाल टैग का, अगर आपको ज़्यादा ही फूड कॉन्शियस है तो हलाल टैग का आप क्या करें, देखें कि हलाल फूड किन के पास है, या फिर आप यूँ कोशिश करें कि जो सी फूड का सेक्शन है तो वहाँ से अगर खाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई इस तरह का पोर यानी कि खंजीर का कुछ इस्तेमाल नहीं किया होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये लोग खंजीर भी खाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वाइड में क्या है, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, तो आप आके अपना फूड इन्जॉय कर सकते हैं। फूड इन्जॉय करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पार्टी बॉय। जी हाँ, तो इससे पहले जो एक गली आती है वो गली में हमने आपको नहीं दिखाई, वो अभी गली में दिखाता हूँ, वो गली में दिखाता हूँ इसके बाद। ये रही जी, ये हैं जी, जिसकी वजह से थाईलैंड मशहूर है और फुकेट मशहूर है, यहाँ की खूबरू हसीनाएं और यहाँ की नाइट लाइफ। जी हाँ, क्योंकि बैंकॉक को और थाईलैंड को गुनाहों का मुल्क भी कहा जाता है, या गुनाहों का शहर, गुनाहों की बस्ती, कुछ भी कह लें। अब आप लोग कहेंगे कि इतना कह रहे हैं कि गुनाहों का तो ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यार मैंने भी थोड़ा सा इन्जॉय करना था, गुनाहों को नहीं, मैंने मतलब यहाँ की लाइफ को इन्जॉय करना था। और अगर मैं यहाँ पर ना आता तो आप लोग ख़ुद कैसे इस लाइफ को इन्जॉय कर सकते। तो काफ़ी यार यहाँ के लोग जो हैं, जाहिर सी बात है पार्टी लवर बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं, तो जो आए ही इसी मकसद से हैं कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा इन्जॉय किया जाए, थोड़ा सा लुत्फ़ उठाया जाए ज़िंदगी का। तो आप इनसे फ्रीली बात करें, खाना खाएं इनके साथ, उठें बैठें, सो मतलब कुछ भी करें, सो मतलब वो वाला सोना नहीं यार, आप लोग गलत ना समझ जाना, ठीक है। और ये देखें, काफ़ी मतलब रोमांचिक सफ़र है, आप आएँ यार। मतलब अगर आप, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, दुनिया घूमनी है, जाना है, तो वो क्या करते हैं, उठ के दुबई चले जाते हैं। भाई दुबई से यहाँ कम पैसा है और मज़ा तिगना चुगना, वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे इसलिए आए, लेकिन वो इस्लामिक कंट्री में आप ना जाएं, आप थोड़ा सा इस कंट्री को आएँ, थोड़ा सा इन्जॉय करें। और मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़े से पार्टी से थोड़ा थक गया हूँ, मैं क्लब में गया था लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर सांस लेता हूँ, सांस लेने के बाद अपने रूम में जाता हूँ। अपने रूम की वीडियो और बाकी वीडियो भी मैंने ऊपर प्लेलिस्ट लगा दी, यार उसको देख लो, थाईलैंड को देख लो घर बैठे बैठे।